प्रतापगढ़ में पुलवामा में हुए सीआरपीएफ पर हमले से लोगों में जबरदस्त आक्रोश व्यक्त है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। दो दिन से लगातार सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। आज भी सुबह से विरोध का सिलसिला जारी है। हाथों में पाकिस्तान विरोधी स्लोगन, दिखी तख्तियां और जुबान पर आक्रोशित तेवर में नारेबाजी के साथ ऑल इंडिया मुजरे से इत्तेदाद उल मुस्लिम ने जुलूस निकाला और अम्बेडकर प्रतिमा के सामने पाकिस्तान का पुतला फूका। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। इनकी मांग है कि 72 घंटे में बदला लिया जाए, शहीदों के परिवारों को 1-1 करोड़ की आर्थिक राशि दी जाए और कश्मीर समस्या का हल तत्काल निकाले जाने की इन्होंने मांग उठाई। तो वहीं सीआरपीएफ पर हमले का विरोध में जिला कचहरी के अधिवक्ताओं ने भी पाकिस्तान के पुतले के साथ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और अम्बेडकर प्रतिमा के सामने पाकिस्तान का पुतला जलाया। प्रतापगढ़ से दीपेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुर्दाबाद।